नमस्कार, मैं विभव श्रीवास्तव, शिक्षा सहायक, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। हमारे YouTube चैनल देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ये सप्ताह हमने हमारे एशियाटिक शेरों के बारे में, हमारे एशियाई सिंह के बारे में आपको बताया है, और आज हम आपको मिलवाएंगे जो हमारे कीपर एशियाई सिंहों के रखरखाव के लिए यहाँ रखे गए हैं, जो उनका रखरखाव करते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं और उनकी पूरी दैनिक दिनचर्या और इन सभी चीज़ों के बारे में वो आपको से अवगत कराएंगे। तो अभी हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं श्री रामकेश जी को। तो नमस्कार रामकेश जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे दर्शक हम आज जानना चाहते हैं कि एशियाई सिंह के बारे में। बिल्कुल सर। कैसे उनका आप रख रखाव करते हैं, कैसे, क्या उनकी दिनचर्या होती है? बिल्कुल सर। क्या आपके सामने चैलेंज, चुनौतियां आती हैं? और तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप कितने वर्षों से इन सिंह के रख रखाव के से जुड़े हुए हैं? सर, मुझे यहाँ एशियाई सिंह के साथ 3 साल कम्प्लीट होने वाले हैं जी। इससे पहले मैं और बीटो में था, जैसे अपना राइनो है, ये अपना सांबर है, सांबर डियर, उसके बाद वाइट टाइगर पे था मैं, तो मुझे अभी लॉयन पे फिक्स किया गया है जी। तो आप 3 साल से लॉयन के? जी सर। आपके पास कितने शेर हैं? हमारे यहाँ अभी हमारे बीट में जी एक मेल है, एक फीमेल है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या नाम, क्या होगा नाम सर? मेल का सुंदरम है, फीमेल का हेमा है। अच्छा अच्छा। यस सर। तो ये इनका क्या, इनको खाने को क्या देते हैं आप? खाने का सर अपना ये बीसी मीट आता है। अच्छा। और बीसी मीट मतलब बफेलो का? बफेलो का, बफेलो का आता है। हाँ, हाँ। फिर इनको दो तीन मुर्गे भी साथ में दिया जाता है। कितना किलो करीब देते? हाँ, हैं करीब ये सर्दी में सर 12 किलो। अच्छा। गर्मियों में 10 किलो। अच्छा, तो सर्दियों में बढ़ा देते हैं? हाँ हाँ, क्योंकि हाँ इनकी जरूरत बढ़ बिल्कुल सर। और हफ्ते में फ्राइडे फास्ट रखते हैं, कंटिन्यू मीट खाते तो एक दिन इनको फास्ट इसलिए रखते हैं कि डाइजेशन इनका कम्प्लीट हो। अच्छा अच्छा। तो मतलब जैसा कि विभिन्न धर्मों में बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ, कि कोई बहुत जरूरी है, कोई मंडे, कोई वो ऐसे। हाँ हाँ। तो ये जो आपने जैसे बताया कि इनको 9-10 किलो का खाना देते हैं और हफ्ते में एक बार, तो खाना आप किस समय देते हैं इनको? खाना इनको हम 4:30 बजे लगा देते हैं। अच्छा। क्योंकि विस्टर्स के लिए अगर हम पहले लगा देंगे तो इनको बंद कर लेंगे तो विस्टर्स नहीं देख पाएंगे। अच्छा। और अगर इनको खिला के बाहर खोलेंगे तो फिर बंद दोबारा नहीं होंगे। अच्छा, ये भी समस्या। यस, ये भी समस्या। अच्छा अच्छा। तो ये कितने वर्ष के होंगे आपके जो? ये हमारे यहाँ ये सुंदरम जो मेल है जी, वो 14 के लगभग है, 14 साल का जी। और ये फीमेल जो है 7.5 ईयर्स के। अच्छा अच्छा। हाँ, इसको हम 2015 में चंडीगढ़ से लाए थे। अच्छा, ये दोनों चंडीगढ़ एक, एक, एक। हाँ। अच्छा, सुंदरम आपका चंडीगढ़ से आया, ये हेमा, हेमा आई थी। अच्छा, हेमा आई थी। वैसे अभी दिल्ली चिड़ियाघर में कितने कुल शेर हैं? हमारे यहाँ 2 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। तो वो किसी और, वो बीट नंबर 14th में है। अच्छा। उसमें है वो अभी जो नया? हाँ, जो नया है गुजरात के, उसमें से आए सर, जूनागढ़ से। यस सर। अच्छा अच्छा। तो इनकी दिनचर्या क्या, इनको सुबह कितने बजे खोल दिया जाता है? इनको सुबह सर नाइट ड्यूटी भी लड़कों की लगी रहती है, इनको पानी का देख रेख कैसे क्या करना है, फिर सुबह हम मॉर्निंग में आते हैं, इनको देखते हैं इनका बिहेवियर कैसा है, मीट खाया पूरा, खाया नहीं खाया, इनका कैसे इनका दिनचर्या, जैसे हम कंटिन्यू आते हैं देखते हैं इनका डिस्टर्ब तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, लाइटिंग पेशाब किया नहीं किया जी। उस हिसाब से देख के अगर हमें कुछ डाउट पड़ता है तो हम डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन देते हैं जी। वो आते हैं फिर उसको हम खोलते नहीं बाहर जी, कोई सुस्त है या वैसे है। अच्छा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे जो भी जानवर हैं उनका हम पूरा रखरखाव करते हैं। हाँ। ना सिर्फ खाने और दिनचर्या का, बल्कि उनको आके हमारे कीपर महोदय जो हैं सबसे पहले आके ये देखते हैं कि उनकी, उन्होंने जो भी उनकी दैनिक क्रियाएं हैं उन्होंने वो पूरी की कि नहीं, और अगर उनके स्वास्थ्य में कहीं से भी इनको कुछ भी शक होता है ऐसा कि कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ है तो ये सीधे हमारे साथ जो डॉक्टर हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं, उनको सूचित करते हैं, जिससे कि समय पर कार्रवाई की जा सके, समय पर उनका, उनकी दवाएँ शुरू की जा सकें। तो ये बताइए कि आप इनके साथ काम करके कैसा फील करते हैं, कैसा लगता है? इनके साथ शुरू में सर डर लगा था, लेकिन अब ऐसे जैसे फैमिली मेंबर्स हो गए हैं वैसे लगता है, इनको इनके साथ काम करने मजा आता है। अच्छा। आदमी के साथ तो सब कोई बोल रहे, बेजुबान के साथ जो बोलता है उसका प्यार अलग ही होता है। अच्छा, अच्छा।
तो आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी कोई रोचक घटना जो आपके साथ कभी घटी हो इन शेरों के रखरखाव के समय, या कुछ भी ऐसा कुछ जो आपको लगता है कि आपको हमारे दर्शकों को बताना चाहिए तो? दर्शक सर विस्टर्स बहुत आते हैं, बोलते हैं कि एक साथ क्यों नहीं खोलते हैं इनको, ये एक साथ हम खोल दिए थे एक बार, हमारा 2-4 दिन 5 दिन ये दोनों मेल फीमेल अंदर गए नहीं थे, इनको खाने का प्रॉब्लम होती थी, देख रेख का भी प्रॉब्लम होती थी, नाइट ड्यूटी लगाते थे। दर्शक बोलते थे एक साथ क्यों नहीं खोलते हैं, उनको फिर समझाना पड़ता है कि ऐसे ऐसे है, एक साथ अगर खोला जाए तो ये फिर मेल फीमेल को अंदर नहीं जाने देता है। अच्छा अच्छा, तो ये चलिए ये अच्छी बात है। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को कोई इनसे एक कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई एक अपना बात बताना चाहते हैं कि कंजर्वेशन और चिड़ियाघर में आके कैसा उनका बिहेवियर हो, कैसे वो व्यवहार करें जैसे जी जानवरों को कोई तकलीफ ना हो, तो जी जी सर जी सर यही जानवर हमारे बंदीवस्था में इनका रख रखाव के लिए इसीलिए बंदीवस्था में करें कि कोई आदमी सबसे प्यार लगाव हो, देखें आए नज़दीक आए देखें कि एनिमल से उनका लगाव हो जी। वो घर में जैसे डॉग कैट ये सब पालते हैं तो उनसे कितना लगाव होता है जी। इसलिए एनिमल्स सब एनिमल्स लवर्स हैं सब कोई भी जी। तो इनका ये कहना है कि आप जब जानवरों को आइए देखने आइए तो आप उनसे एक अपना लगाव शो करिए, आप उनसे अपनी एक सहानुभूति रखिए कि ऐसा देखा गया है कि कई लोग आके जानवरों के ऊपर जो है वो पत्थर फेंकते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से निवेदन करता हूं कि आप तो करें ही ना, अगर कोई और भी करता है तो उनको भी ऐसा करने से रोकें, और अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे सिक्योरिटी वाले भी लोग मौजूद रहते हैं तो उनको आप सूचित कर सकते हैं ऐसी अवस्था में। तो जैसा कि अभी इस समय ठंड का मौसम शुरू हो चुका है जी सर, तो आप लोग कुछ इनका ठंड और गर्मियों के लिए कोई विशेष प्रबंधन करते हैं जिससे कि इनको रखरखाव में कोई दिक्कत ना हो या इनके स्वास्थ्य पे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, कोई बुरा प्रभाव ना पड़े? जी सर बिल्कुल करते हैं सर, जैसे सर्दियाँ आ जाती हैं तो हम इनके लिए फट्टे बिछाते हैं, लकड़ियों का फट्टा होता है। अच्छा। उसको पूरा सूखा के, और क्योंकि उसमें फर्श में बैठेंगे तो उनको ठंड लगेगी जी, लकड़ियों में थोड़ा गर्माहट होगी, और फिर उनके लिए हीटर लगाते हैं सर, और फिर गर्मियों में है कि अपना इनके लिए कूलर है, और फिर इनको टाइम टाइम से नहलाना पड़ता है, जैसे बंद करते समय इनको नहलाना पड़ता है तो कि ठंडक बनी रहे। ठीक, तो जैसा आपने देखा कि सिर्फ ना ही आहार में परिवर्तन होता है, ज़्यादा आहार दिया जाता है सर्दियों में, उसके अतिरिक्त सर्दियों में इनके बाड़ों में अंदर लकड़ी के तख्त फट्टे बिछा दिए जाते हैं जिससे कि इनको ज़मीन से ठंड ना लगे, और साथ ही गर्मियों में इसी तरीके के विशेष प्रबंधन होते हैं जैसे कि कूलर लगाना और पानी से इनको नहलाना। तो इन सब प्रबंधनों से ही इनके स्वास्थ्य और जो कहें कि पशु के एनिमल वेलफेयर के लिए हम कार्य करते हैं, और यही हमारा उद्देश्य होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ रामकेश जी का, जो हमारे दर्शकों को उन्होंने एशियाई सिंह के प्रबंधन के बारे में बताया, कैसे इनको चिड़ियाघर में रखते हैं, कैसे इनका देखभाल करते हैं, क्या क्या इनकी ड्यूटी होती है, कैसे इनको क्या क्या चुनौतियां आती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामकेश जी। ओके सर, थैंक यू सर।